स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर में साइंस स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास का बायो एनर्जेटिक्स। उसके अंदर हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में कुछ फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स फोटोसिंथेसिस किस तरह करते हैं और ग्लूकोज एनर्जी को किस तरह बनाते हैं। उसके अंदर दो स्टेप हुए थे, लाइट रिएक्शन क्या बना था, एटीपी और एनएडीपीएच, और डार्क रिएक्शन में ये NADPH पर ATP स्मॉल हुए थे, स्मॉल होने के बाद इन्हें क्या बनाया था, ग्लूकोज। अब ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने हैं ये तो यहाँ पर स्मॉल हो गए। अब प्लांट्स को क्या चीज चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए, ठीक हो गया। या फिर यही प्लांट्स कोई और दूसरा जानवर खा ले तो उनके अंदर जब ये चला जाता तो उनको भी एनर्जी चाहिए, तो उनको एनर्जी किस तरह हासिल होती है, वो रिस्पिरेशन के जरिए हासिल होती है। इसी तरह है कि जिस तरह कोई फ्यूल पड़ा है, कोई फॉसिल फ्यूल है या कोई भी फ्यूल है, तो उसको आग लगती है, वो ऑक्सीजन को कैप्चर करता है एनवायरनमेंट से, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और उसके दरमियान वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में अपने जलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एनर्जी को रिलीज करता है। यहाँ पर भी इसी तरह है, यहाँ पर हमारे पास जो फ्यूल है वो ये है ग्लूकोज, या फिर ग्लूकोज से आगे जो चीज़ें और जो प्लांट्स हैं उन्होंने ग्लूकोज से मुख्तलिफ चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करती हैं, क्योंकि स्टोर करने के लिए जब रखा जाता है तो सिर्फ ग्लूकोज की शक्ल में नहीं, ग्लूकोज को मुख्तलिफ केमिकल्स की शक्ल में बना के तब्दील करके फिर उसको अपनी बॉडी में स्टोर किया जाता है। जिस तरह ऑयल की शक्ल में आ गया या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के सेलुलोज आ गया, ये अपनी बॉडी में स्टोर कर। अब जो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं इस प्लांट्स को या फिर ये प्लांट्स खुद, वो क्या करते हैं, इन फ्यूल्स को, इस बायोकेमिकल फ्यूल को, इन चीज़ों को, ग्लूकोज को, केमिकल्स को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ये सारे सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बॉन्ड पाया जाता है, CH, और ये वाला जो बॉन्ड होता है काफी एनर्जी कंटेनिंग है, इसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी पाई जाती है। तो जब ये टूटता है तो ये जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर है, टूटने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स या फिर कोई और जानदार या फिर प्लांट्स इसको इस्तेमाल करते हैं। ये था रिस्पिरेशन का प्रोसेस, ये सिंपल, ग्लूकोज टूटेगा किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों को तोड़ने के, इन दोनों को जब तोड़ने, जब टूटेगा एंजाइम की मदद से, टूटने के बाद दोनों के साथ ऑक्सीजन, दोनों के साथ इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ये तो सिंपल सा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, कि हम इससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इस बॉन्ड में टूटने से एनर्जी मिली और ये दोनों ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर पहले मैं जनरल बताता हूं कि रिस्पिरेशन जो होता है, रिएक्शन होता किस तरह है, कि बिल्कुल फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन था उससे बिल्कुल उलट है। वो क्या होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज C6H12O6 टूटना है, टूटने के बाद इसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, और दूसरी क्या चीज बनानी है, वाटर बनाना है। और यहाँ पर कार्बन देखते हैं 6, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 12, 6, तो इसका दो से करते हैं। अब बाकी हमारे पास क्या चीज बच गई, बाकी हमारे पास जो चीज कमी है वो किस चीज की है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने हैं, 6, 2, 12, 12 ये 18, 6 यहाँ पर है, तो बाकी यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 6, 2, 12 यहाँ पर आ गए। ये हमारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, फेल्स केमिकल रिएक्शन। अब ये इसके दरमियान जो ये बाउंड है CH, उस टोटे की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी भी रिलीज होती है, और ये भी एनर्जी हमें चाहिए होती है। ये था सिंपल रिस्पिरेशन का प्रोसेस। अब हमने एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस को देखना, उससे पहले हम सिंपल देखेंगे ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है, तोड़ना शुरू करते हैं, तो पहले स्टेप के अंदर ग्लूकोज को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये कितने
ये C6 छह कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो इसको पहले ही पाइरोलिक एसिड के अंदर डील किया जाता है, जो क्या है, थ्री कार्बन वाला। किस कार्बन वाला? थ्री कार्बन वाले के दो के अंदर तब्दील किया जाता है, ठीक हो गया। ग्लूकोज को दो पारे के मॉलिक्यूल के अंदर तब्दील किया जाता है, ठीक है। और ये स्टेप एरोबिक रिस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रिस्पिरेशन में भी होता है, ठीक है। अब मैं आता हूं आपके पास लेकर के एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन के। एरोबिक रिस्पिरेशन वो चीज है जिसके अंदर वो रिस्पिरेशन की टाइप है जिसके अंदर क्या चीज पाई जाती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। यहां पर ये ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है ना, यहां पर जब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है तो ये सारा का सारा स्टेप ये एरोबिक रिस्पिरेशन का, ठीक हो गया। जहां पर ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी तब तक वहां पर क्या होगा, हमें काफी ज्यादा मिकदार में एनर्जी मिलेगी और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। यहां पर फर्स्ट स्टेप में पाइरिक एसिड इस्तेमाल होता है, पाइरिक एसिड इस्तेमाल होने के बाद यहां पर ऑक्सीजन मौजूद होगी, ऑक्सीजन मौजूद होगी तो फिर क्या होगा, एरोबिक रिस्पिरेशन। फिर क्या होगी, एरोबिक रिस्पिरेशन होगी, ये वाला स्टेप मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद आते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन के बगैर ही क्या करते हैं, अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं, उनको इस चीज की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन ये चीज ह्यूमन बींग्स में भी हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बता दूं कि होता क्या है इसके अंदर, कि ग्लूकोज दो पारे के एसिड मॉलिक्यूल में तब्दील होता है। ग्लूकोज दो पारे के एसिड तब्दील में होने के बाद ऑक्सीजन ना होने की वजह से या ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करने की वजह से ये यहाँ पर स्टेप यहाँ पर रुक जाता है। रुकने के बाद ये इन दो चीजों की बजाय किसी और चीज में तब्दील हो जाते हैं, इन दो चीजों की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय किसी और चीजों में तब्दील हो जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। इसकी भी दो टाइप्स हैं, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। क्या है, अल्कोहलिक एनारोबिक रिस्पिरेशन या लैक्टिक एसिड एनारोबिक रिस्पिरेशन। इसको एक और नाम दिया जाता है फर्मेंटेशन। इस तरह इसका नाम क्या हो गया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब इनके अंदर होता क्या है कि पाइरिक एसिड मॉलिक्यूल तो बन गया, एनारोबिक रिस्पिरेशन के अंदर पाइरिक एसिड मॉलिक्यूल तो बन गया, उसके बाद या ये काम होगा या ये काम होगा। इसके अंदर क्या होगा कि पाइरिक एसिड मॉलिक्यूल पाइरिक एसिड या पाइरोवेट, ये जब इस्तेमाल होता है ये पाइरोवेट की शक्ल में इस्तेमाल होता है, ये किसमें तब्दील हो जाता है, अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल के अंदर इस्तेमाल होता है। और इस अल्कोहल के अंदर CH बॉन्ड अभी भी 5-6 मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से सारे CH बॉन्ड नहीं टूट पाते, सारे CH बॉन्ड ना टूटने की वजह से ज्यादा एनर्जी नहीं मिल सकती। यहाँ पर सारे CH बॉन्ड टूट गया, कार्बन और हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली यहाँ से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। लैक्टिक एसिड में भी इसी तरह होता है कि जो पाइरोवेट है वो किसमें तब्दील हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। इसके अंदर भी अभी CH बॉन्ड मौजूद होते हैं, सारे भी टूटते हैं, इसलिए हमें यहाँ से भी एनर्जी इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं मिलती। ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये तो बैक्टीरिया और दूसरा यीस्ट वगैरह में पाई जाती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमने भी होती है। हम अब आने वाली बात है कि हम भी ऑक्सीजन के बगैर किस तरह एनर्जी ले सकते हैं। जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं काफी, तो ये अगर काफी एक अरसे की बात करें तो हमारी बॉडी के मसल इस तरह मेंटेन नहीं होते कि हम एनर्जी को इस्तेमाल कर सकें, ज्यादा बहुत ज्यादा एनर्जी को इस्तेमाल कर सकें और उसके अंदर क्या कर सकें, ऑक्सीजन को बड़ी जल्दी सप्लाई कर सकें। इसलिए क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज पाइरिक एसिड मॉलिक्यूल में टूटता है ऑक्सीजन ना होने की वजह से, क्योंकि हम बहुत हार्ड में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी इस काबिल नहीं होती कि वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन को कैप्चर कर सके। तो हार्ड एक्सरसाइज होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं मौजूद होती, जब ऑक्सीजन नहीं मौजूद होती तो वो पाइरिक एसिड एरोबिक रिस्पिरेशन के अंदर इसके अंदर तब्दील होने की बजाय पाइरिक एसिड लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है, और ये आसान अल्फाज में हमारी मसल्स के अंदर गिल्ट बढ़ जाते हैं, गिल्ट बढ़ जाते हैं और वो फिर कुछ दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके टूटते रहते हैं, खुद ही टूटते रहे, खुद ही टूटने के बाद दोबारा वो पाइरिक एसिड में तब्दील हो जाते हैं, ठीक हो गया। ये था हमारा टॉपिक रिस्पिरेशन, फिर उसके अंदर
एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, एनारोबिक जिसके अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। और ये भी दो किस्म की है कि जिसके अंदर पाइरूवेट मॉलिक्यूल अल्कोहल में तब्दील हो जाता है उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसके अंदर पाइरूवेट मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बैक्टीरिया और यीस्ट में पाई जाती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसके अंदर पाई जाती है, ये एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।